अच्छा लगती है सबका। ये देखो अपनी जो पुरानी टी शर्ट थी जीनू की, उसने एलिफेंट को पहना दी है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे एकदम मेरी तरह। और यहाँ मैं सुबह सुबह आज ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ सिवई, मीठे जवे जिन्हें बोलते हैं। और क्योंकि आज है मेरे भाई भाभी की एनिवर्सरी, मतलब जब तक ये ब्लॉग आएगा तब तक तो एनिवर्सरी निकल चुकी होगी, बट आइए आप भी खा लीजिए, मीठा मुँह कर लीजिए सुबह सुबह। तो यहाँ मैंने सब इलायची, चीनी, ड्राई फ्रूट्स सब डाल दिए। इलायची के जो छिलके होते हैं उन्हें मैं जो पत्ती का डब्बा होता है ना उसमें डाल देती हूँ, चाय पत्ती के डब्बे में डाल देती हूँ, क्योंकि वो काम आ जाते हैं, फिर चाय वाय में थोड़ा फ्लेवर आ जाता है। यहाँ रेडी हो गए हमारे जवे, ये मैं भूख के लिए ले जा रही हूँ अब, और ये भी खा के निकल चुके हैं ऑफिस। जिन्होंने थोड़े खाए थे मैंने भी थोड़े से खाए हैं, बाकी रख दिए हैं बाद में खाएंगे। और यहाँ मैं लग गई हूँ काम में, जो सब लोग लग जाते हैं सुबह सुबह। शायद ही ऐसा कोई होगा जिससे सुबह सुबह टाइम होगा, अदरवाइज़ सुबह सब बिज़ी रहते हैं मोस्टली, किसी के पास टाइम नहीं होता। तो यहाँ मैं वही साफ़ सफाई में लग गई हूँ। ये जीनू की बोतल सुबह दूध पिलाया था तो वही रखी थी, और अब जीनू का टाइम हो गया ब्रश का। जीनू अकेले ब्रश नहीं करती, जब मैं करती हूँ साथ में तई वो करती है, तो वो मुझे ही बार बार बोल रही थी मम्मा ब्रश करो, मम्मा ब्रश करो। तो मैंने भी फिर ब्रश ले लिया दिखाने के लिए उसे। और मशीन में सुबह ही चला देती हूँ, कपड़े टाइम से धुल जाएँ, ताकि क्योंकि सूखने में दिक्कत होती है फिर लेट धो तो। और बाहर का मौसम देख रहे हैं आप लोग, बिल्कुल धूप नहीं निकली है, और सुबह तो बहुत फॉग हो रहा था, अब तो फिर भी ठीक है। ऐसा मौसम वैसे मुझे अच्छा लगता है काफ़ी। और यहाँ अब मैं लग गई हूँ झाड़ू पोछे में, सफाई में। और सर्दियों में यार दिन इतने छोटे से हो जाते हैं ना, मतलब 12-1 तो ऐसे ही बच जाता है, काम करते करते पता ही नहीं चलता। मतलब आप कितना भी जल्दी उठ जाओ कोई ना कोई काम तो निकल ही आता है, और जब घर में बच्चे हों तो फिर क्या कहना, बच्चे काम बिगाड़ने वाले होते ही हैं, वो बिगाड़ते हैं हम लोग सही करते हैं। अब यहाँ देखो आ गई जीनू शैतान उतर के। और यार सर्दियों में हाथ इतने ठंडे हो जाते हैं ना, तो पहले मुझे हाथ गर्म करने पड़ते हैं अपने, फिर जीनू की मालिश करनी होती है, क्योंकि वो फिर कपड़े तो उतरवाती नहीं है, बड़ी मुश्किल से उतरवाती है ठंड के मारे। और मम्मी आ गई हैं अब, और मम्मी के हाथ बहुत ठंडे हो रहे थे, ऊपर से आई थी वो कपड़े डाल के, तो मम्मी बार बार लगा रही थी, तो जीनू जा ही नहीं रही थी मम्मी के पास। जीनू के फ्रूट्स का टाइम हो गया है, और जीनू आज ये काले अंगूर खा रही है, लेके आए थे सीज़न के फर्स्ट अंगूर खा रही है वो, तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे उसे। और अब काम से फ्री हो चुकी हूँ, तो मैंने सोचा बार बाल अपने सही कर लेती हूँ, सिर धोया था आज, तो यहाँ मैं थोड़ा सा सीरम लगा रही हूँ, बाल थोड़े से गीले हैं अभी, क्योंकि सीरम लगा लेती हूँ ना तो कॉम करो तो बाल फिर टूटते नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सीरम लगा रही हूँ मैं, ताकि कॉम हो जाए ईजीली। और मैं क्या करती हूँ, कोल्ड क्रीम में थोड़ी सी फेयर एंड लवली मिला के लगाती हूँ, तो इससे क्या होता है फेस ज़्यादा रूखा भी नहीं होता और फिर एकदम चिकना भी नहीं होता। हेलो गाइस, तो मैं आ चुकी हूँ रेडी होके एंड फ्री होके काम से। आज मैंने लगाई है बड़ी बिंदी, मैंने सोचा ये ट्राई करके देखती हूँ कैसी लग रही है, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना छोटी बिंदी अच्छी लगती है या ये बड़ी अच्छी लग रही है, तो फिर मैं वही ट्राई करूँगी। हमेशा कुछ ना नया ट्राई करते रहना चाहिए, क्यों अच्छा सा फील होता है, अच्छा लगता है। मुझे अपने हेयर भी कट कराने यार, नीचे से ना बहुत डैमेज हो गए, देखो कितने बेकार हो गए, काफ़ी टाइम से मैंने कराए नहीं है। और मुझे बहुत पसंद है हेयर कटिंग, मतलब अलग अलग ट्राई कराती हूँ। और ये इस मंकी को मत देखो इस मंकी के बेचारे कपड़े फट चुके हैं, जीनू ने इसके कपड़े फाड़ दिए, इसको कितनी बार सिल चुकी हूँ मैं, क्योंकि जीनू को काफ़ी अच्छा लगता है, तो इसे काफ़ी बार सिल चुकी हूँ, और ये इसके कपड़े फाड़ देती है बार बार बेचारे की। जीनू बहुत ख्याल रखती है सबका, ये देखो अपनी जो पुरानी टी शर्ट थी जीनू की, उसने एलिफेंट को पहना दी है। जीनू आपने एलिफेंट को कपड़े पहना दिए? ओ गिग्या। आज मेरे भाई भाभी की एनिवर्सरी भी है, 7th एनिवर्सरी उनकी। और जब उनकी शादी हुई थी ना तब भी बहुत ठंड हो रही थी, मतलब बारिश हुई थी उस टाइम, शादी इतनी ठंडे टाइम में हुई है उनकी, जनवरी में।
और आज भी देखो कितनी ठंड है, और मैंने उन्हें भी फ़ोन नहीं कर पाया, मतलब मैसेज तो कर दिया था बट मैं अभी उन्हें कॉल मिलाऊंगी, फ़ोन मिलाऊंगी, क्योंकि फिर मैं भूल जाती हूँ काम में लगने के बाद। और अब शाम का टाइम हो चुका है तो मैं बाहर से कपड़े उतार के ला रही हूँ हल्के हल्के से। अब पता नहीं क्या होता है यार, सर्दियों में ना कपड़े थोड़े थोड़े से ठंडे ही लगते हैं, तो समझ में ही नहीं आता ये सूख गए हैं या थोड़े खील हैं, तो ठंडे ही रहते हैं कपड़े सर्दियों में। तो मैं इन्हें अब रख दूँगी फटाफट से। जीनू टीवी देख रही है आराम से बैठ के, और उसके बाद कपड़े रखने के बाद मैंने जीनू के लिए सेरेलेक बना दिया था, मल्टीग्रेन सेरेलेक है, उसे काफ़ी अच्छा लगता है। और उसके बाद मैंने फिर अपनी चाय बनाई, और चाय पीने में बैठी हूँ, मैंने थोड़े से नट क्रैकर ले लिए साथ में, तो जीनू आ गई खाने के लिए, और इतनी मिर्च है इनमें नट क्रैकर में, फिर भी वो खाती जा रही थी। और ये दीदी बना रही है दाल की पकौड़ियाँ, मतलब ये ना पूस छिक रहे हैं, मतलब जिन लोगों के यहाँ होता है उन्हें पता होगा पूस का महीना जो ये आता है, वैसे स्टार्टिंग में हो जाता है बट हमारे स्टार्टिंग में नहीं होता। तो क्या करते हैं ना, दाल की पकौड़ियाँ बना के 5 या 7 पकौड़ी एक सीक में, मतलब जो झाड़ू की सीक होती है या कोई भी लकड़ी में फंसा के उसको गेट पे लगा देते हैं या किसी में भी लगा देते हैं, और बाकी खाने के लिए बना लो या सब्जी बना लो। तो ये छोटी छोटी जो पकौड़ियाँ हैं ना आप देख रहे हैं, ये दाल की हैं, मतलब उड़द दाल है इसमें, मूंग की दाल और थोड़ी सी चने की दाल पीस ली थी दीदी ने, और उनकी पकौड़ियाँ बना ली, उनकी सब्ज़ी बनेगी। और ये जो बाकी पकौड़ियाँ हैं ये खाने के लिए तल रही हैं दीदी, इसमें थोड़े से कच्चे आलू घिस लिया उन्होंने, तो ये खा लेंगे थोड़ी बहुत हम लोग सब। मतलब ऐसा होता है ना, मेरी मम्मी बताती थी कि मतलब कोई भी मेहमान जैसे पूस के महीने में आए उससे पहले पूस चेक दो, वो तो सही रहता है, पता नहीं यार क्या होता है मुझे भी नहीं पता, तो इसलिए वो पकौड़ी सीख में लगा के फिर उनको गेट पे या विंडो पे लगा देते हैं। थोड़ा सा जो दाल का पेस्ट था वो दीदी ने बचा लिया था क्योंकि वो सब्ज़ी में डालने काम आएगा। तो ये जो परात में आप देख रहे हैं ये दाल है थोड़ी सी, उसमें पानी डाल लिया दीदी ने, और वो सब्ज़ी छौंकने की तैयारी कर रही हैं। तो बेसन वेसन का यूज़ नहीं होता इसमें, तेल में दीदी ने हींग डाल ली है और ये हल्दी डाल ली है, उसके बाद ये छोड़ दिया है दाल का पेस्ट जो था, इसमें पानी डाल देंगे और इसमें वो धनिया पाउडर मिर्च नमक सब डाल देंगे। आप पहले डालना चाहे तो पहले भी डाल सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छा बना था, आप भी ज़रूर ट्राई करना। और इसे करहल बोलते हैं मुझे भी नहीं पता था, दीदी ने बताया। और जब तक करहल खदकेगा तब तक हम सब लोगों ने सोचा कि पकौड़ी खा लेते हैं फिर ठंडी हो जाएंगी। और एक साइड पर मैंने दाल भी रख दी थी बनने के लिए, तो यहाँ जीनू भी लगी पड़ी है कैचअप के साथ, उसे कैचअप तो बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ खदक गया था, उसके बाद हमने ये पकौड़ी डाल दी। अब इसको 10 मिनट के लिए और पका लेंगे, और इसमें दीदी ने गरम मसाला भी ऐड कर दिया था तो काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है इससे। बस 10 मिनट बाद ये रेडी हो गया, इसमें धनिया पत्ती डाल दी, बस अब दाल रोटी रह गई है मैं बना रही हूँ, तो डिनर में आज ये बना है। करहल की सब्ज़ी रेडी हो गई है, आप भी ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छी लगती है। तो यार आज के ब्लॉग का एंड यहीं कर रही हूँ मैं, बाकी अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। चलिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, खुश रहिए।